आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, डीएस रेलवे सुफियान डोगर का फैसलाबाद का दौरा। रेलवे रेस्ट हाउस में रेलवे स्टेशन मॉडल बनाया जाने और रेलवे हाउसिंग कॉलोनी के उमूर के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया और जल्द अमली काम शुरू करने की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश भी दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल डोगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अजी बिल्कुल, डीएस रेलवे ने सुफियान डोगर ने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन और दीगर जो अदवार हैं उनका दौरा किया है, एक मीटिंग भी चेयर की है। हमारे साथ वो मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सुफियान साहब, खसूसी तौर पे ये बताइएगा, मीटिंग एक चेयर की है आपने, फैसलाबाद में रेलवे के अमूर का जायजा लिया है, किस हवाले से कोई प्लानिंग की गई है, लाहे अमल तैयार किया गया, इस हवाले से आगाह किया जाएगा और बताइएगा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को मजीद अपग्रेड करने के लिए एक प्लान का ऐलान किया गया था, उसे किस हद तक पाए तकमील तक जल्द पहुँचाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। पर्पस फैसलाबाद विजिट करने का यही है जो आपने अपनी कमेंट्स में डिस्क्राइब किया है। जो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की आप बात कर रहे हैं, उस पर हमारे 2-3 विजिट्स हो चुके हैं, ठीक है जी। उस पर हमने बकायदा इसके स्केच मैप्स वगैरह तैयार कर लिए हैं, ठीक है, और रेलवे एक दो निजी कंपनियों की इश्तराकत के साथ इसके ऊपर बड़ी पूरी कोशिश कर रही कि इसको जल्द से जल्द इसकी इब्तदा कर दी जाए और इसको पूरे को हम रेलवे स्टेशन को रिवैम्प कर देंगे, जिसमें मेन हम यही रख रहे हैं कि जी मुसाफरों की फैसिलिटेशन और इन द लॉन्गर रन आज से 10 साल 15 साल बाद जिस तरह आप सी पैक आ रहा है पाकिस्तान में, उसमें रेलवे उसमें बहुत काम हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ती जाएंगी, पैसेंजर ट्रेन्स बढ़ेंगी, फ्रेट ट्रेन्स बढ़ेंगी, इन सारी मतलब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का हमने प्लान तैयार किया और बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा फैसलाबाद का। और आज ये हमारी मीटिंग थी जी फैसलाबाद रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक बहुत अरसे से पाकिस्तान रेलवेज और कोऑपरेटिव्स के बीच में मतलब डिस्प्यूट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ, हमारे जो मेंबर हजरात हैं सोसाइटी के, उनकी काविशों से वो पाकिस्तान रेलवेज और ये लोग जीत चुके हैं। सो अब हमारी कोशिश है कि सोसाइटी को बेहतर बुनियादों से बेहतर तरीके से इसको फर्दर डेवलप किया जाए, उसमें इसके गेट्स वगैरह हैं, इनके दफातर हैं और जो अलॉटमेंट है, फ्यूचर अलॉटमेंट है, वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और मेरिट के ऊपर की जाए, ठीक है जी। इसी तरह इसमें कुछ ऐसी अलॉटमेंट्स भी हुई हुई हैं जो कि जो लोग बता रहे हैं कि जो मेरिट पे नहीं, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी एक सब कमेटी आज हमने डेवलप की है जो कि उसको फर्दर एनालाइज करेगी और उनकी अगर सिफारिशात आती हैं तो इस तरह के प्लॉट्स को हम कैंसिल करेंगे विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जी बिल्कुल, कोऑपरेटिव कॉलोनी के हवाले से बातचीत हुई है, उनको हवाले से लुक आफ्टर किया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से जो रेलवे फैसलाबाद के एम्प्लॉयज हैं उनको मुनासिब रिहाइश के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो फराहम की जा सके। इसके साथ साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाने के हवाले से जो ऐलान किया गया था उसको आगे लेके चला जाएगा, क्योंकि जैसे मुल्क की तरक्की इन्होंने बताया कि सी पैक के थ्रू आगे चलना है, तो उसके साथ रेलवे स्टेशन को ऐसा बनाया जाए कि आने वाले सालों के अंदर ये फैसलाबाद पाकिस्तान का एक मॉडल स्टेशन में से एक अहम हो। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।